सो भाई लगभग सुबह के 8 बज रहे होते हैं और जो मेरी जर्नी है वो सुबह बारिश में स्टार्ट होती है अपने यहाँ जयपुर से अपने घर की तरफ। घर की तरफ अचानक से जाने का प्लान इसलिए होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ है जो कि अपने घर आने वाला है। वो सरप्राइज़ क्या है ये आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिलहाल जो है संदीप आता है मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ कर फिर वापस चले जाता है अपने रूम पे और वहाँ से मैं लेता हूँ मेट्रो और यहाँ से मैं अपनी जर्नी करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ से लेते हैं मेट्रो और मेट्रो लेने के बाद से जो है हम चल चलते हैं अपने यहाँ आतिश मार्केट से रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन तक। और वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद से जो है ये सुबह का नज़ारा है लगभग 9 बजे का जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो फिलहाल जो है ये हमारी जो ट्रेन है वो होती है यहाँ से जयपुर से न्यू दिल्ली तक की जो कि हम सफ़र करने वाले थे जनरल कोच में। और जनरल कोच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। भीड़ इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर जो है एग्ज़ाम का माहौल होता है और इसके वजह से जो है स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें। तो फिलहाल जो है हम जनरल कोच में बैठ जाते हैं उसके बाद से जो है अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से लगभग 5 से 6 घंटे के बाद से जो है जो हमारी ट्रेन है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाती है। फिर वहां से उतरने के बाद से आप यहां का न्यू दिल्ली का नज़ारा देख सकते हो जो कि लगभग 2 बजे का है और यहां पे भी बारिश का ही पूरा माहौल है। फिर यहां से स्टेशन के बाहर मैं लेता हूँ छोले भटूरे क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी होती है और सुबह में बिना हम खाना खाए निकले होते हैं। तो फिलहाल ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। उसके बाद से जो है हम आते हैं फिर वापस अपने रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और वहाँ से जो है हमारी जो ट्रेन है वो होती है आम्रपाली एक्सप्रेस। और इस ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ये मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि इस ट्रेन में जनरल कोच में चढ़ना तो दूर बल्कि आप स्लीपर कोच में भी आसानी से नहीं चढ़ सकते हो। ये स्लीपर कोच का नज़ारा है जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर जो है हम लेते हैं समोसे क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी होती है। उसके बाद सो जाते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं तो यहाँ पे जो है हम अपने स्टेशन यानी गोरखपुर स्टेशन तक पहुँच गए होते हैं। फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक शांति सा फील होता है। उसके बाद से यहाँ से जाते हैं अपने बस स्टैंड की तरफ और वहाँ से लेते हैं बस। और फिर बस में बैठने के बाद से जो है हम निकल चलते हैं गोरखपुर से अपने शहर गोपालगंज। इसके बाद से अब होती है सरप्राइज करने की बारी। या तो मुझे मारना